फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। सो गाइस, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं मंथ ऑफ मार्च 2020 का मंथली प्रेडिक्शंस। मेरी ये प्रेडिक्शंस, जैसे कि आप जानते हैं, असेंडेंस पे बेस्ड हैं। आप कृपा करके मून साइन से या सन साइन से इस प्रेडिक्शंस को बिल्कुल ना सुने। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, हमें ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा असेंडेंस क्या है। तो गाइज, मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया, आज फिर बता रहा हूँ, आप अपने बर्थ चार्ट को खोलें, जहाँ पर बर्थ चार्ट लिखा होगा या जन्म लगन कुंडली लिखा होगा, उसके फर्स्ट हाउस में देखें। फर्स्ट हाउस में आपको 5 नंबर भी लिखा मिल सकता है, 8, 9, 10, 1 से लेकर 12 नंबर तक कोई भी अंक लिखा हुआ मिलेगा, वही आपका असेंडेंस होगा। यानी कि हाउस नंबर 1 में असेंडेंस 9 भी हो सकता है, यानी कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर है, यानी आपका असेंडेंस सेजिटेरियस है। अगर 7 नंबर है तो आपका असेंडेंस लिब्रा है। सो गाइज, अगर आप मेरी प्रेडिक्शंस को असेंडेंस को दिमाग में रख के सुनेंगे तो ये प्रेडिक्शंस 70-80% आपके ऊपर अप्लाई होंगी। अगर आप मून साइन को माइंड में रख के सुनेंगे तो 50-60% अप्लाई होंगी। सो गाइज, बिल्कुल भी आप सन साइन को कंसीडर ना करें। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से इस प्रेडिक्शंस का, इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं जो आपके ऊपर सटीक बैठेंगी, 100% आपके ऊपर अप्लाई होंगी, अगर आप इसको असेंडेंस को बेस बनाकर सुनेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द वर्गो असेंडेंस। फॉर वर्गो असेंडेंस मार्च 2020, गाइस आपके लिए मार्च 2020 असेंडेंस के लॉर्ड मर्करी आपके असेंडेंस से 6th हाउस में हैं। 7th मार्च तक वो रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे और जुपिटर सेजिटेरियस में केतु के साथ ट्रांजिट करेंगे। 1st मार्च से लेकर 30th मार्च तक सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे इस सारा मंथ। सो गाइस, जो डायनामिक्स की पोजीशन है वर्गो असेंडेंस, आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन 7th मार्च तक ना लें। किसी किस्म का फाइनेंशियल लेन देन ना करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। थोड़ा सा स्लो डाउन फील करेंगे अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, इवन अपनी हेल्थ में भी, लेकिन सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। ओवरऑल 7th मार्च के बाद जैसे ही मरकरी आपके असेंडेंस के लॉर्ड अपनी डायरेक्शंस चेंज करके रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का समय शुरू हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी रहेंगे, फॉरेन जर्नीज रहेंगी, आपकी हेल्थ पॉजिटिव जोन में चली जाएगी, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, हेल्थ को लेकर आप बड़ा कंफर्ट जोन में रहेंगे, फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स रह सकते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस रह सकती हैं, फॉरेन रिलेटेड कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में बिजनेस करते हैं, जो लोग ट्रेडर्स हैं, जिनका बिजनेस है, अगर आप किसी किस्म के ट्रेडर हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे आप इंट्राडे करो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप किसी किस्म के बिजनेस में ट्रेडिंग करो, कोई केमिकल को ट्रेड करो, या किसी किस्म के प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम करो, उनके लिए या काम करते हो उनके लिए ये मंथ अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए मंथ अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहा है। जो लोग किसी किस्म की ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं उनके लिए भी 7th मार्च के बाद जो पोजीशंस हैं आपके फेवर में हैं। नए पार्टनर्स आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, आपकी सेविंग्स राइज होंगी, लिक्विड कैश आपके पास बड़ा अच्छा रहेगा, माइंड आपका बड़ा कंफर्ट जोन में रहेगा, जिस वजह से नए नए प्लान्स आपके माइंड में एग्जीक्यूट होंगे, और अगर उन प्लान्स को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एग्जीक्यूट करते हो, अप्लाई करते हो, तो आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। वर्गो असेंडेंस जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, हर एक तरफ से प्रॉमिसिंग है। फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, हायर अथॉरिटी की कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, हायर अथॉरिटी से एक तगड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी। हायर अथॉरिटी की वजह से आपका कोई बड़ा लोन क्लिक हो सकता है, आप फार डिस्टेंस प्लेस पे कोई नया ब्रांच खोल सकते हैं अपने बिजनेस का, किसी किस्म का कोई इंक्रीमेंट या ग्रोथ आपको जॉब में मिल सकता है, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े खुश रहेंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों को 7th मार्च के बाद नौकरी मिलेगी। ओवरऑल वर्गो असेंडेंस, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं नो डाउट, लेकिन स्ट्रगल भी कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। जो डायनामिक्स की पोजीशन है वो नो डाउट आपके फेवर में है, लेकिन आप स्ट्रगल करेंगे, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, कामयाबियां आपको अपने आप मिलती जाएंगी, हर एक तरह की अचीवमेंट्स आप इन्जॉय करेंगे, हर एक तरह की प्रॉस्पेरिटी इस मंथ में आप इन्जॉय करेंगे। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 7th मार्च के बाद करें, अगर कुछ प्लेस चेंज करना चाहते हैं तो भी 7th मार्च के बाद करें, व्हीकल बाय करना चाहते हैं 1st मार्च से 7th मार्च के बीच बिल्कुल ना करें,
किसी किस्म की नई इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो पहले 7 दिन मार्च के छोड़ दें, उसके बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं। हर एक तरफ से अचीवमेंट्स और कामयाबी मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी हमको डायरेक्शंस देती है, विर्गो असेंडेंस अगर आप इन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, बुलंदियाँ मिलेंगी, तरक्कियाँ मिलेंगी। विर्गो असेंडेंस फैमिली के साथ इस मंथ में उलझे ना, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आपके अंदर अहंकार जन्म लेगा, जिस वजह से कुछ रिश्ते आपके आपसे दूर जा सकते हैं, आपके दोस्त आपके साथ ज़्यादा कॉपरेट नहीं करेंगे इस मंथ में। नो डाउट कामयाबी आपको मिलती रहेगी लेकिन दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जो आपकी सिचुएशन है वो ज़्यादा पॉजिटिव ना रहेगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में तो पॉजिटिव है लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रगलिंग है, स्पाउस के साथ भी आपका रिलेशनशिप कुछ खटास में रह सकता है, आपकी जिद की वजह से आपके बने बनाए रिश्ते खराब हो सकते हैं। सो गाइस रिश्तों को बिखरने ना दें, अपने रिश्तों को समेट के रखें, अपनी मुट्ठी में रखें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, हर एक तरफ से आप कामयाब इंसान लाएंगे। अगर आप रिश्तों को लेकर थोड़ी सी भी ढील बरतेंगे या अपने ईगो को, अपने अहम को, अपने अहंकार को आगे लेकर आएंगे तो आपको इस मंथ में रिश्तों को लेकर अपने नियर डियर्स के साथ आपके टाइअप्स जो होंगे वो बिगड़ेंगे, उस तरह का कंफर्ट जोन नहीं आपको मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। सो ओवरऑल गाइज यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी है, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज भी आपको आएंगी मार्च में, लेकिन पर्सनल लाइफ में अलर्ट होकर चलें, पर्सनल लाइफ की ओर ध्यान देकर चलें, आप अपने रिश्तों को संभाल के चलें। सो गाइज नो मोर अबाउट दिस मंथली फॉरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।